हाँ दोस्तों, हर हर गंगे। उम्मीद है आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों अभी आप माँ गंगा की पावन दर्शन सुबह 7:30 बजे दिन शनिवार को हर की पौड़ी महिला घाट से कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। आज काफ़ी कम श्रद्धालु यहाँ पे दिखाई दिए हैं पिछले सप्ताह के सापेक्ष, क्योंकि इस बार कोविड की गाइडलाइन शिवरात्रि की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से पालन किया गया था, और उसके वजह से काफ़ी कम श्रद्धालु अभी स्नान करते हुए आपको अभी दिखाई देंगे। दोस्तों अगर आप मेरा सुबह की रेलवे स्टेशन का दृश्य नहीं देखे हैं, अपडेट नहीं देखे हैं, तो ज़रूर जाकर देख लें। काफ़ी अच्छी खबर है। अगर आप ट्रेन से सफ़र करके हरिद्वार या उत्तराखंड की यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों हम आ गए हैं हर की पौड़ी में। अभी आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से दृश्य दिखाने वाला हूं और यहां पे क्या सिचुएशन है हर की पौड़ी में वो आप लोगों को दिखाने वाला हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखंड के समस्त प्लेसों की समस्त जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। सुबह सुबह का दृश्य है और काफ़ी तेज धूप सुबह ही आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हर की पौड़ी का सुंदर दृश्य, और यहाँ पे आज काफ़ी कम श्रद्धालु है। काफ़ी ज़्यादा सख्ती से कोविड की गाइडलाइन को पालन किया जा रहा था शिवरात्रि की वजह से, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इस वजह से अभी काफ़ी कम लोग दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कल संडे है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ कल होने वाली है। सुबह और शाम को पूजा के समय माँ गंगा आरती के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है शनिवार और रविवार को, तो आप अगर शाम के टाइम माँ गंगा आरती दर्शन के लिए आने वाले हैं तो शाम को 7 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है, तो आप 1 घंटे पहले आके अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। ये आप नई घाट का दृश्य मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रकृति के सुंदर नज़ारे का आनंद भी ले सकते हैं, और धाराएं काफ़ी तेज़ गति से बह रही हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ, उस तरफ और इस तरफ भी देख सकते हैं काफ़ी तेज़ गति से माँ गंगा की तेज लहरें बह रही हैं। सुबह के टाइम हर की पौड़ी आज खाली खाली सा लग रहा है, आप देख सकते हैं। अभी आप लोगों को नज़दीक से महिला घाट और ब्रह्मकुंड के पास का दृश्य दिखाने वाला हूं। ये हर की पौड़ी का दृश्य अभी आप देख रहे हैं। काफी सारे श्रद्धालु कहना था कि हम माँ मनसा देवी माँ चंडी देवी के दर्शन अभी कर सकते हैं। आप माँ मनसा देवी माँ चंडी देवी के पावन दर्शन कर सकते हैं। माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए आपको पैदल जाना पड़ेगा, और साथ साथ आपको एक्टिवा की सुविधा मिल जाएंगी, और माँ चंडी देवी के लिए आपको रोपवे की सुविधा मिल जाएंगी। पर पर्सन 193 और आने जाने का किराया है रोपवे में माँ चंडी देवी में। अभी आप ब्रह्मकुंड के पास का दृश्य देख रहे हैं, आप अभी आसानी से देख सकते हैं। ये महिला घाट का दृश्य है, काफ़ी कम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं अभी, लेकिन महिला घाट में अधिकतर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु स्नान करते हैं। वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, लेकिन आप देख सकते हैं सभी घाटों में आपको अभी कम ही श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। ये मैं आ गया हूँ महिला घाट के पास, और आप देख सकते हैं महिला घाट से
माँ गंगा की पावन दृश्य। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने कम श्रद्धालु आज स्नान कर रहे हैं, नहीं तो ये घाट में जैसे कि मैंने पहले कहा था खड़े होने की जगह नहीं होते थे, लेकिन आज पूरी तरह से खाली खाली सा लग रहा है। दोस्तों अगर हरिद्वार आते हैं तो आप ऐसा कुछ एक्टिविटी ना करें जिससे क्या है आपको दंडित होना पड़े। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोगों को दंडित होना पड़ा है और काफ़ी सारे लोग गंदगी फैलाने की वजह से दंडित हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ऐसा काम नहीं करेंगे और माँ गंगा को स्वच्छता बनाने में हमारी मदद करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ स्नान कर रहे हैं और यहाँ का दृश्य हमेशा भरा भरा सा होता था, लेकिन आज देख सकते हैं पूरी खाली खाली सा दिखाई दे रहा है। ये अपर रोड का दृश्य आप देख सकते हैं प्रकृति के सुंदर नज़ारे के साथ, काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ से देखने को मिल रहा है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है लेकिन गर्मी काफ़ी तेज़ है आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग हरिद्वार आ रहे हैं तो स्वच्छता के साथ साथ मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, क्योंकि हम अगर सही रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे। दोस्तों तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर गंगे।